एलन मस्क की बड़ी मुश्किलें, मस्क और ट्विटर के खिलाफ केस फाइल, ट्विटर डील पर 2025 तक रोक लगाने की मांग, ट्विटर ना खरीद पाने पर मस्क को पूनावाला की सलाह। एलन मस्क अपने फैसले और बिजनेस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ट्विटर के डील के बाद से एलन हर दिन सुर्खियों में है। इसी बीच एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फ्लोरिडा पेंशन फंड ने मस्क और ट्विटर के खिलाफ केस फाइल किया है। फ्लोरिडा पेंशन फंड के डेलावेयर चांसरी कोर्ट में केस दायर किया गया है और ट्विटर डील पर 2025 तक रोक लगाने की मांग की है। इस मामले पर ना तो एलन मस्क और ना ही ट्विटर की तरफ से कोई भी बयान दिया गया है। बता दें कि मुकदमे में कहा गया है कि डेलावेयर कानून के तहत मस्क 2025 तक ट्विटर का अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकते। एलन मस्क तब तक ट्विटर डील को पूरा नहीं कर सकते जब तक 2/3 शेयर होल्डर्स को उनका स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। वहीं इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने एलन मस्क को एक सलाह दी है। उन्होंने एलन मस्क को कहा कि अगर ट्विटर के साथ उनका सौदा पूरा नहीं हो पाता है तो वो भारत में टेस्ला कारों पर फोकस करें। पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा, एलन मस्क, अगर आप ट्विटर को खरीदने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उस पूंजी में से कुछ भारत में टेस्ला कारों की हाई क्वालिटी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लगाने के बारे में सोचें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपका अभी तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होगा।